नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आज मैं सच में बताऊं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो व्लॉग है, मेरा पहला व्लॉग होगा और कोशिश करूंगा इस व्लॉग को बहुत ही अच्छा बनाने की। तो प्लीज आप लोग आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट इन टू योर फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। यहाँ से अराउंड कुछ 15 किलोमीटर है। ओके, तो बी विथ मी गाइस, कम ऑन। तो अराउंड 3 बजे हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी। बारिश हो सकती है, यहाँ क्या करें। पूरी ग्रुप थी एक्चुअली, तो आधे लोग निकल चुके हैं। अब उनसे सीधा आपको वहीं पे सीधा डैम पे मिलवाएंगे। तो आज हाँ जा रहे, बहुत ही अच्छा डैम है एक्चुअली। बारिश में वहां पे जाते हैं लोग चिल्कर। यहाँ से अराउंड आई थिंक 15 किलोमीटर है, हाफ एन आवर लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ से अब हमारा शुरू होता है मेन हाईवे, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मेट्रो का भी काम चल रहा है, इसमें पॉसिबल बहुत ईजी बारिश हो सकती है। बारिश होगी तो मुझे सेलफोन को रखना पड़ेगा, क्योंकि वाटर प्रूफ नहीं है। आप एंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को देखकर। अगर आप कर रहे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं, बट उन्होंने आगे गाड़ी खड़ी है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी मिल लें। ओके, वैशाली नगर और एक कोकनी गाड़ी करके है कुछ, तो आपको वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आना पड़ेगा। वैसे लास्ट टाइम ऐसा था नहीं एक्चुअली, लास्ट टाइम कोई रुपये चार्ज नहीं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो बहुत पहले आ गए थे, वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आप लोग उनसे मिलना चाहोगे? ओके, तो मिलवा देता हूँ। तो ये देखिए, ये सारे लोग बहुत पहले ही आ गए थे, जो मैं बोला था कि गाड़ी खराब होने की वजह से। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे वाह, इसमें से तो पानी भी आता है।
गांव की पूरी फीलिंग है यहाँ पे। आकाश जगह का नाम क्या? आकाश। और इस जगह का नाम वैशाली नगर। अगर आप आ रहे तो यहाँ पर पूछे और ना आप रास्ता बता सकते। बहुत ही अच्छी जगह। ये बोरीवली नेशनल पार्क से जुड़ा है, ये व्यू देख सकते हो आप। एक्चुअली कह रहे हैं यहाँ पे शेर आया है तो इसलिए किसी को जाने नहीं दे रहे, बट हम फिर भी रिस्क लेके जा रहे हैं। और भी लोग हैं वहाँ पे जो एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी अब आ गए हैं तो अब एंजॉय करेंगे। आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बेटर बी केयरफुल, बहुत ही फिसलन भरा रास्ता है। तो राइट नाउ हम पहुँच चुके हैं। तो अखिलेश भाई कैसा लग रहा है, दिख रहा है? बहुत अच्छा है, आप लोग भी आइए, आगे तो बहुत अच्छा व्यू है, होना सब है, मजा आएगा आप लोग को, पूरे अच्छे से आइए और मजे करके जाइए। और पाड़ी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? वो तो रिकॉर्डिंग में बिजी है, कोई बात नहीं। सच्ची में बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, जैसे घूमने आने की बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पे जो लोग हैं के नीचे ना रहे, हमने भी वहाँ पे ही जाना है। सो लेट्स गो, कम विथ मी, फॉलो मी गाइस, फॉलो मी, फॉलो मी गाइस, फॉलो मी, फॉलो मी। बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं, आइए आप भी साथ में ही। चलो सर। उस झरने को देखिए ध्यान से, वहां पे भी जा सकते हैं या तो उसके जो राइट साइड में वहां पे भी जा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो होते ही रहता है, लोग संडे एंजॉय करते हुए। और एक झरना जो मेरे सामने आप वहाँ पे देख सकते हो, तो बोलो आप लोग के कहाँ पे चलना है, राइट, लेफ्ट या सेंटर में? कहाँ जाएंगे सर, किस साइड? स्ट्रेट चलते हैं। ओके सर, स्ट्रेट जाएंगे हम, सीधा स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट। आप लोगों ने क्या कभी, हम ह्यूमन इंसानियत फाउंडेशन को फॉलो करते हैं और ये हमारे आसिफ भाई, इनका डेडिकेशन देखिए, इनके पैरों में लगा है फिर भी इन्होंने इतना सैक्रिफाइस करके आए। और वो जो गार्ड सर है वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था। लगा तो बहुत अच्छा, लोग इंजॉय कर रहे तो बुरा इस बात का लग रहा है कि वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं और हमें मना किया जा रहा है, तो इट्स रियली सैड एक्चुअली। लेट्स सी, कोशिश करेंगे जाने की, तब तक आप इस व्यू को देखिए और एंजॉय कीजिए। और ये सबके चेहरे उदास गिरे हुए हैं, और वो जो भाई इसरार दिख रहे हैं, जॉन सीना, जल्दी जाएगा। चल दे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे और एंजॉय करेंगे।
तो गाइस कैसे भी करके हमने मैनेज किए और जो ऑफिसर सर है उधर तो चकमा देके यहाँ पे आ चुके हैं। अब आए हैं तो एंजॉय करके जाएंगे। आपको बोले थे कैसे ना कैसे करके तो दुबई निकल लेंगे। गाइस एनीवेज चलो ये देखो मजे करो। हमारे राम भाई बहुत मेहनत किए यहाँ पे आने के लिए। कैसा लग रहा है आपको ऑफिसर को चकमा देके हम जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है हाँ, क्योंकि इतने दूर से आए एंजॉय तो करना बनता ही था। तो अब कोई उदास भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी फीलिंग है। एक्चुअली किसी जगह पे बैठ जाऊँ? आए तो घूम के जाएंगे। बराबर आए तो घूम के जाएंगे। शेर आए तो शेर से कम थोड़ी ना है, शेर से लड़ेंगे। अब आए तो नहा के ही जाएंगे। तो गाइस मजा आ रहा है कि नहीं ऑफिसर को चकमा देके? मजा आ रहा है ना? मस्त में ऐसी चीज सिर्फ गांव में देखा था। यहाँ पे आकर गांव की फीलिंग आ रही है। ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 ईयर हैज बीन पास्ट, आई हैवंट वेंट टू माय विलेज, बट यहाँ पे आके वैसी फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं अपने गांव में। तो जो सामने झरना देख रहा है अब वहां पे हमें जाना है। उस झरने पे कोशिश करेंगे नहाएं।